अपने ट्रेवल प्लान में सिर्फ बैंकॉक या सिंगापुर नहीं, लंदन को भी आसानी से शामिल कर सकते हैं। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन छोड़ने का फैसला भले ही ग्लोबल मार्केट्स को रास ना रहा हो, आपके लिए इस वजह से वहां छुट्टियां बिताना अब सस्ता हो गया है। मुंबई के सुधीर मांडगे अपने बिजनेस ट्रिप के लिए पहले से ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन पाउंड में बड़ी गिरावट के बाद अब वो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार को भी साथ ले जाने की सोच रहे हैं। For us, it is definitely a benefit as I am going for a business. I come pleasure trip to UK around second or third. So I think that will definitely give us some benefit. ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के फैसले से एक झटके में पाउंड 10% गिर गया। ट्रेवल एक्सपर्ट का कहना है कि ये ब्रिटेन जाने का बिल्कुल सही टाइम है। अगर किसी कस्टमर ने ऑलरेडी अपना विजिट प्लान किया हुआ है या आज भी अगर वो डिसाइड कर लेते हैं और आज ही अपने पाउंड खरीद लेते हैं तो कम से कम 10% की किफायत उनको जरूर देखने को मिलेगी। मई जून जुलाई समर वेकेशन होती हैं, अब जुलाई में लोग वापस आने शुरू हो जाएंगे तो जाने का रश जो है वो कम है, तो इस पीरियड में सारी एयरलाइंस और सारे होटल्स एक सेल, एक मॉनसून सेल जिसे कहते हैं, वो ऑफर करते हैं। ट्रेवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाउंड में अगले कुछ महीनों तक कमजोरी बनी रहेगी, ऐसे में अगर आप जल्दी अपना लंदन ट्रिप बुक करते हैं तो 15% तक बचा लेंगे, तो फिर इंतजार किस बात का। थेम्स, बिग बैन और बकिंगम पैलेस घूमने का ये सुनहरा मौका है। मुंबई से निधि राय और राधिका कुमार के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। यानी ब्रेक्सिट में सब कुछ खराब ही नहीं है, आपके लिए तो कम से कम ये अच्छी खबर है अगर आप लंदन जाने का मन बना रहे थे। आगे बढ़ेंगे कुछ